फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी ये जानेंगे कि थायराइड को कैसे कंट्रोल करें। थायराइड है वो बहुत ज़्यादातर लोगों को हो जाती है और ख़ास करके जो वोमेन रहती है उन्हें हो जाती है और वो चिंतित हो जाते हैं कि थायराइड को कैसे ठीक करें। तो आज की वीडियो में आप सभी ये जानेंगे कि थायराइड को कैसे कंट्रोल करें। ज़्यादातर केसेस में थायराइड में क्या होती है कि लोगों को हाथ पाँव में शरीर में सूजन हो जाती है और इसके वजह से उनके हाथ पैर है वो फूल जाते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हमारी वजन है वो बढ़ रही है, मैं मोटी हो गई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये थायराइड के वजह से भी होती है, तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। कभी कभी है वो थायराइड कम हो जाती है तो आपका शरीर है वो ठीक दिखने लगता है। अगर बार बार आपके शरीर है वो मोटे दिखते हैं, वजन बढ़ जाती है और फिर वजन कम हो जाती है, तो आप समझे कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें। अगर थायराइड आपको बार बार घटती बढ़ती है तो इससे शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाती है, नींद पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ जिसे आप फॉलो करके इससे राहत पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानीज टिप्स एंड ट्रिक्स। फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप है कि अगर आप थायराइड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपका थायराइड है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी टिप है कि आप अपने खाने को सही तरीके से खाएं, सही समय पर खाएं। आप ऐसा नहीं कि सुबह में कुछ भी नहीं खाएं और 3 बजे 4 बजे आप खाना खा रहे हैं, खाली पेट रह रहे हैं, तो इससे भी आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इससे थायराइड में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो इसलिए आप अपने खान पान पर भी ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप खान पान पर ध्यान तो दे रहे हैं और सही तरीका का आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपका थायराइड है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसलिए आप अपने खाने का टाइम रूटीन अच्छे से सेट कर लें और आप सही समय पर खाएं तो आपका थायराइड है वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा। और तीसरा टिप है कि आप आयोडीन युक्त फूड खाएं। जैसे आप सी फूड खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं। अगर आप आयोडीन फूड खाएंगे, आयोडीन युक्त फूड खाएंगे तो आपका थायराइड बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा और आप अच्छे रहेंगे, आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा। चौथी टिप है कि आप अपने डाइट में मशरूम को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि मशरूम में सेलेनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और ये हमारे थायराइड को बहुत जल्द कंट्रोल करती है। तो आप अपने खाने में, आप अपने डाइट में मशरूम को ज़रूर शामिल करें। अब पांचवी टिप है, आपको अपने डाइट में हरे पत्तेदार साग सब्जियाँ को शामिल करना है। आप अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप टाइम टू टाइम पानी पीते रहें, इससे भी आपका थायराइड है वो कंट्रोल रहेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी टिप्स आज के वीडियो में आपने जाना और ये आप काम अपने घर में आसानी से कर सकते हैं, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने ये जाना कि थायराइड को कैसे कंट्रोल में रखें। तो आप इन टिप्स को ज़रूर अपनाएं और अपने थायराइड को कंट्रोल में ज़रूर रखें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपकी थायराइड कंट्रोल नहीं हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये सेहत की बात है, आप कोई भी लापरवाही ना करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल को आप सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।